अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शेफ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज में वीडियो। दोस्तों कैपकट के बारे में तो आप सब लोगों ने सुनेंगे होगा कि कैसा बेस्ट वीडियो एडिटर है, ठीक है, लेकिन आप सब लोगों को ये पता नहीं होगा कि उसमें कुछ ऐसे फीचर भी हैं जिससे आप बैकग्राउंड और मूवी भी कर सकते हो, और अगर आपने दो वीडियो एक साथ अटैच करनी है तो वो भी कर सकते हो, वीडियो की लेंथ भी अच्छी कर सकते हो, वीडियो की आप स्ट्रेटजी भी अच्छी कर सकते हो। तो वो कैसे करना है टू दैट आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हाँ, अगर आपके पास कैपकट ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से सबसे पहले वो ऐप आप इंस्टॉल कर लो और फिर आ जाओ हमारी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों यहाँ पर आपने कर लेने हैं कैपकट को ओपन, यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो भी वीडियो हो उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने इस वीडियो की लेंथ यूट्यूब के मुताबिक बनानी है, यहाँ पर आपको रेशो का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपने यूट्यूब के मुताबिक रेशो सिलेक्ट करके टिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो तो मैं इसको खींचता जा रहा हूँ और वो बड़ी होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो ये वीडियो यूट्यूब के मुताबिक हो गया, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देखो, इसके अलावा आपको यहाँ से मैं इसका वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखो तो ये ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने यहाँ से पीछे आना है और आपको और भी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेकंड वीडियो ऐड करना चाहो तो आपको यहाँ से प्लस का आइकन मिलेगा और आप दूसरी वीडियो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपने वीडियो एक साथ इकट्ठी कर लेनी है। और अगर आप इसके ऊपर कोई वीडियो लगाना चाहो तो यहाँ पर ऐड आवरली का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ऐड आवरली पर आप क्लिक करोगे तो आपको अगेन वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, तो यहाँ से मैं एक ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ऐड करूँगा तो यहाँ देखो इसके ऊपर ये वाली वीडियो आ गई है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ओपन करूँ, आप देखो ये दो वीडियो एक साथ चल रही है, ठीक है। यहाँ से इसका वॉइस आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैं कम कर लेता हूँ ताकि वीडियो का वॉइस इसमें ना आए, ठीक है। यहाँ से देखो तो ये हो रही है। अब अगर आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने का इजी तरीका है, यहाँ से जिस वीडियो का आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करोगे इसको डाउन करते जाना है, यहाँ पर आपको लिखो है दिखेगा रिमूव बीजी, ठीक है। रिमूव बीजी जैसे क्लिक करोगे यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ये इसलिए बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक वीडियो है, अगर आपकी अपनी वीडियो होगी पीछे कोई दीवार होगी या कुछ होगी तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने बैकग्राउंड भी रिमूव कर लेना। अगर कोई वीडियो आपने कट करनी है तो उसका भी बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। यहाँ से आपने वीडियो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उसको आपने कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये हो गई हमारी वीडियो कट। अब आपने क्या करना है, अगर आपको टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको वॉइस ओवर का, यहाँ से मैं वॉइस ओवर पर क्लिक करता हूँ और ये आपका वॉइस ओवर भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इस तरह से आप वॉइस ओवर भी लगा सकते हो, तो ये देखो तो आपका अब वॉइस ओवर। यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। आप पीछे आ जाते हो, यहाँ से टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लगाना चाहो वो आप इजीली लगा सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ टुडे बेस्ट वीडियो, टुडे बेस्ट वीडियो। अब यहाँ पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, स्टाइल पर आ जाना है और यहाँ पर कोई भी आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब फ्री वाले स्टाइल है, ठीक है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के ऑल तमाम वीडियो में चले तो इसको मैं यहाँ से जो नीचे पट्टी है, ठीक है, इसको मैं उस वीडियो के मुताबिक कर दूँगा मुकम्मल, ठीक है। फिर ये गायब नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इस तरह से आपने इसके कुछ एडिटिंग वगैरह करनी है, बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो टिकटॉक का ऑप्शन है इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको वीडियो को सिलेक्ट करना है, यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे क्लिक करोगे तो ये कट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको डिलीट कर लेना है और यहाँ पर बाकी आपका सब कुछ, ठीक है। आप जैसे आप एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे तो एक्सपोर्ट पर आपकी वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो, यहाँ पर देखो।